नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जे वीडियो पोस्ट। मंदाकिनी के तट पर प्रेम भक्ति भाव त्याग भगवान और भक्त के बीच में ठनाठनी लगी। धर्म सभा बुलाई जा रही कि क्या जो तर्क एक दूसरे के सामने रखे जा रहे उसमें से किसका तर्क ज्यादा धर्म संगत है और लगेगा, क्योंकि जो प्रेम भाव दिखाया गया है भरत जी मानेंगे नहीं। और ये चीज ये बात प्रभु श्री राम जी समझ रहे हैं कि अब जब भरत जी ने ये तक कह दिया कि आज तक मैंने आपकी कोई बात डाली नहीं है, आपको भी मेरी ये बात मान नहीं होगी, इसका मान आपको रखना होगा। तो छोटे भाई की जिद है और जिस तरीके का प्रेम भाव दिखाया गया है उसका क्षण मात्र भी अंश अगर आज के समय में देखने को मिल जाए, क्या ही बात, क्या ही बात। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 129 पार्ट 2। पुत्र, ये विषय इतना संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, इस पर अंतिम निर्णय केवल एक धर्म सभा ही ले सकती है। और इस विषय पर आयोजित धर्म सभा के निर्णायक होंगे राज ऋषि जनक। सभा का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि राम अयोध्या लौटेंगे या 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करेंगे। भरत, मैं आपको अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। राम ही चित्तवत चित्र लिखे, आरंभ करो भरत। सकुचत बोलत बचन सीखे से, राजर्षि रघुकुल की परंपरा के अनुसार अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को ही होता है। और राम भैया हमारे ज्येष्ठ भ्राता है। मेरी उनसे विनती है कि वे अयोध्या चलकर अयोध्या का कार्यभार संभालें। का प्रथम धर्म राजधर्म है, ना कि संन्यास धर्म।
मेरे राम भैया ने सदैव रीति और परंपरा की रक्षा की है। और आज इस रीति के लिए वे अयोध्या लौट चले। अपनी प्रजा का पालन करें, माताओं के शोक का निवारण करें। और कौशल राज्य का कल्याण करें। राम, अब आप अपना पक्ष रख सकते हैं। मैं भरत की बात से पूर्णतया सहमत हूं। रघुकुल की परंपरा अनुसार अयोध्या लौटकर राज्य का कार्यभार स्वीकार करना चाहिए। भरत के वचन नीति और शास्त्र सम्मत है। निश्चय ही मुझे अयोध्या लौटकर राजधर्म का पालन करना चाहिए। किंतु यदि मैं अपनी इच्छा से निर्णय लेकर अयोध्या लौट जाता हूं तो समाज की, संबंधों की, परंपराओं की, संस्कारों की मर्यादा का क्या होगा? और क्या इन सभी मर्यादाओं का खंडन करना एक रघुवंशी को शोभा देता है? मेरे अयोध्या लौट जाने से तो एक पिता के वचन की मर्यादा भंग होगी। एक पिता और पुत्र के मध्य संस्कार और विश्वास की मर्यादा भंग होती, रघुकुल की मर्यादा भंग होती। किसी भी परिस्थिति में इन मर्यादाओं को भंग नहीं होने दूंगा। और इसीलिए मैं चाहकर भी अयोध्या लौटने का निर्णय नहीं ले सकता। सर्वथा सत्य कह रहे हैं। हमें अपनी मर्यादाएं भंग नहीं करनी चाहिए, किंतु यदि मर्यादा पालन से प्रजा, कुल, संबंध और लोक का अहित हो रहा हो, ऐसी मर्यादाओं के निर्वाह से क्या लाभ? ऐसी मर्यादा जो एक पिता को उसके पुत्र से, एक भाई को अपने भाई से, एक मां को उसके पुत्र से, एक राजा को उसकी प्रजा से दूर कर दे, ऐसी मर्यादा जो अपने योग्य और ज्येष्ठ पुत्र को वनवास जाने के लिए विवश कर दे, ऐसी मर्यादा किस काम की? प्रजा, कुल और लोकहित के लिए ऐसी मर्यादाओं का परित्याग ही उचित है।
भारत, क्या केवल एक व्यक्ति विशेष का सुख सर्वोपरि, क्या मात्र एक राज्य का हित सर्वोपरि है, क्या केवल एक ही राज्य की प्रजा का हित सर्वोपरि है? भारत मेरे सबसे प्रिय भाई, मेरी जीवन यात्रा में घटित किसी भी घटना का महत्व क्या है यह तो उचित समय आने पर ही प्रत्यक्ष होगा। आज मां कैकेयी का जो वचन तुम्हें मेरे लिए अहितकर लग रहा है, संभव है कि उसी वचन में संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण पृथ्वी का कल्याण निहित। उसी लोक कल्याण के लिए मैंने वलकल धारण कर अपनी मर्यादाओं और उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। भैया, जिन वचनों के कारण पिताजी की मृत्यु हुई, वचनों के कारण मेरा जीवन कलंकित और अपयश का भागी बन रहा है, जिन वचनों के कारण समस्त प्रजा दुखी है, आप उन्हीं वचनों का पालन क्यों करना चाहते हैं भैया? लोक का कल्याण तो अयोध्या में रहकर भी हो सकता है, किंतु उसके लिए वन में रहने की क्या आवश्यकता है भैया? कुछ भी कहो, डिबेट तो जीते भरत जी। रीजन पीछे क्या बताता हूं, आशंकाओं में कोई कार्य नहीं किया कि भविष्य में ऐसा हो सकता है के ऊपर हम आज कोई निर्णय नहीं लेते कि भविष्य में हो सकता है कि ऐसा होगा, मैं आज से ही ये कार्य करना प्रारंभ करूं ताकि भविष्य में अगर ये होता है तो मैं उसके लिए तैयार। ठीक है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जीवन यात्रा ऐसी रही है अभी तक कि जब भी वो निकले हैं घर छोड़ तो कुछ ना कुछ ऐसा लोक कल्याण का कार्य करके लौटे हैं कि जो समझ लीजिए कि उनकी कुल की ख्याति इत्यादि सारी चीजें बढ़ा दी, कहीं ना कहीं वो चीजें पुरानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने जहन में रखते हुए इस चीज को बोल रहे हैं कि मेरे कारण शायद लोक हित रखा। ये तो बात हुई विधाता के विधान, लेकिन जो बात प्रेम की है उसमें भरत जी जीत कि जिस मर्यादा के कारण लोगों को दुख पहुंच रहा हो ऐसी मर्यादाओं का कोई कार्य नहीं, आप ऐसी मर्यादा का परित्याग कर दे। तर्क और वितर्क अच्छा दिखाया गया है क्योंकि प्रभु श्री राम जी को देखिए ये बात तो ज्ञात थी कि आगे भविष्य क्या होने वाला, और मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्या जो बैठे हैं हमारे महर्षि को भी ज्ञान, उनको भी ज्ञान, उनको भी ज्ञान है, लेकिन वही है कि सब चीजें नहीं कर पाए, नहीं जा सकती ना, यही कारण है कि वो बार बार अपने ऊपर डिसीजन नहीं दे रहे हैं, उन्होंने राजमिस्त्री को किया है, वो जानते हैं मैं डिसीजन लूंगा तो मुझे तो पता ही है कि मैं इनको 14 वर्ष भेजना है भेजना है। वो ये भी जानते हैं कि जो राजमिस्त्री है वो सही चीज को समर्थन देगा, वो सही बात। हाँ, जितना दिव्यता सभी ने महसूस की प्रभु श्री राम की, सभी लोग जानते हैं कि उनके हाथों से या उनके रहने से कितनों का उद्धार होगा, तो वो एक राज्य में सीमित होकर नहीं गए। तो जिस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी के साथ जाकर के असुरों का संहार किया और वाल्मीकि जी के साथ जाकर के उन्होंने सारे कार्य किए, जो कुछ भी कार्य उन्होंने अपने जीवन में संपूर्ण किए वो सभी दिव्य, ये सब जानते। इसी दिव्यता को ध्यान में रखते हुए
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आगे की जो बात कही है कि हो सकता है इससे लोक कल्याण का हो। जो वचन या जो अहित मेरे लिए तुमको दिख रहा है वही हो सकता है वो आगे जाके हित में परिवर्तित कर सको। वैसे बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। माता शबरी सबसे प्रिय और अनन्य भक्त तो सारे चीजें देखने में अभी बहुत आनंद है। सभी भक्तों का जो है ना इंतजार सफल हो। ठीक, इस एपिसोड में करते हैं इस वक्त। मिलेंगे श्री गिरिनायक के साथ। राधे।